गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू कैन सी मेरा बैकग्राउंड चेंज है। बहुत कुछ बताना है आप लोगों को, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि मुझे आप लोगों को बताने हैं, बट यार अभी टाइम नहीं है, धीरे धीरे करके रिवील करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यार मेरा हेयर स्टाइल बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अगर मुझे पसंद आ रहा है प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह का हेयर स्टाइल बनाऊँ अपनी वीडियोज़ में तो कमेंट कर देना। एंड या आज की वीडियो के बारे में बताती हूँ। सो गाइज आज की जो वीडियो है, मैंने एक वीडियो बनाई है थिंग्स आई रिग्रेट टू बाय, और मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है जिस पे मैं आ जाती हूँ बताने आप लोगों को। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मतलब कुछ दुखी टाइप नहीं है, ना ही मुझे रिग्रेट है इन सब चीज़ों को बाय करने का। सो आज की जो वीडियो है वो ये है थिंग्स आई लव टू बाय, जो चीज़ मैंने मतलब लाइक अपने पैसे लगाए हैं और मैं बहुत उससे सेटिस्फाई हूँ काइंड ऑफ कि यस मेरे पैसे वर्थ इट हैं, वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। एंड सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माय एवरी वीडियो गाइज। एंड किसी ने कमेंट किया था, बड़ा क्यूट सा कमेंट किया था, उसने बोला था कि लाइक उसने एक नाम दिया बेसिकली, मतलब हमारी जो फैमिली है उसको, सो ही सेड निभानियंस एंड आई वाज लाइक इट्स लुक सो क्यूट, मतलब कितना क्यूट सा लग रहा है मिलियंस एंड निभानियंस। तो गाइज अगर आप लोग अभी तक निभानियंस नहीं बने हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माय एवरी वीडियो। एंड या गाइस लेट्स स्टार्ट इट। गाइस अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने बहुत सारे हेयर टूल्स बाय किए हैं जिसपे मतलब मेरे पैसे वेस्ट हुए हैं, जो मेरे बालों में टिके नहीं और बहुत जल्दी ख़राब हो गए, या कुछ ऐसे हैं जिससे मेरे बाल जल जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। सो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको मैं बाय किया है, ये भी एक हेयर टूल है, पर ये इस बार मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए। इस बार आई कैन फील कि ये बहुत अच्छा टूल है और मेरे बालों के लिए तो बेस्ट है। सो वो है ये फिलिप्स फिलिप्स का केरा शाइन स्ट्रेटनर एंड आई रियली लव इट। ये अराउंड 3000 से अबव का है आई गेस, पर ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा बाउंसी हैं और बहुत हैवी हैं जैसे कि मेरे हैं, तो आपको चाहिए कि कोई अच्छा स्ट्रेटनर हो जो कि बालों को अच्छे से स्ट्रेट भी कर दे और लॉन्ग लास्टिंग आपके बालों पे स्ट्रेटनर टिका भी रहे, तो वो ये है। ही कोई हीट प्रोटेक्शन यूज़ करती हूँ, सो इसके बाद मेरे बालों में मुझे नहीं फील होता कि जल गए हैं और बहुत सिल्की शाइनी फील रहते हैं और काफ़ी अच्छा है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और कोई मेरे को स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना प्रोडक्ट है एंड आई रियली लव दिस परचेज, काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी कोई अच्छा हेयर मतलब स्ट्रेटनर ढूंढ रहे हो जिससे बाल आपके जले ना, अगर आप हीट प्रोटेक्शन भी ना यूज करते हो उसके बाद भी, तो ट्राई दिस वन। एंड या गाइस इस बार मेरे पैसे नहीं डूबे, तो इट्स वर्थ योर मनी। एंड या लेट्स सी द नेक्स्ट वन। गाइस जो नेक्स्ट परचेज है ना, उस पे आप लोग हंस भी सकते हो मुझ पे, लेकिन यार मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने उस पर अपना पैसे इन्वेस्ट करे। सो वो है दिस वुडन कॉम, और ये काफी अच्छा है। सो गाइस मैं भी वुडन कॉम यूज नहीं करती थी, मैं भी प्लास्टिक कॉम जैसे हम यूजली हमारे घर में होते हैं वो यूज करती थी, लेकिन जब मैंने चेंज किया अपना कॉम, और लिटरली इट्स सो वर्थ इट, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप लोग ने अभी तक लाइक प्लास्टिक कॉम यूज़ करते हो तो मत करो यार, ये सच में अच्छा है। और मैं बता देती हूँ क्यों। अगर आपके मतलब लाइक नेचुरली बालों का टेक्सचर ऐसा है कि बहुत टेंगल हो जाते हैं, तो इससे बहुत ईजिली डिटेंगल हो जाएंगे और कोई पेन नहीं होगा, और ना ही बाल ये इतनी मतलब लाइक झड़ते जो नहीं थे हमारे। ऐसे ऐसे लड़कियाँ बहुत अपने हेयर कॉम करती हैं, मुझे बहुत लाइक अंदर से बहुत अजीब लगता है, मत कर यार इतना टॉर्चर मत कर। मेरी बहन भी ऐसी करती है, सो मैंने उसको बोला बहन वुडन कॉम ले ले और थोड़ा प्यार से बाल निकालना स्टार्ट कर दे अपने, इतना अत्याचार मत कर। तो अगर आप भी उसी तरह का अत्याचार करते हो मत करो, ट्राई दिस कॉम, ये सच में बहुत अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपको मिल जाएगा मार्केट में 100 to 150 का। एंड ये मेरा टूट भी चुका है और गंदा भी है क्योंकि मैं इसको रेगुलर यूज़ करती हूँ एंड आई रियली लव दिस परचेज। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेंज किया अपना कॉम तो जाके चेंज कर लो। नेक्स्ट परचेज है वो थोड़ा लाइक अटपटा सा और रेंडम सा है। सो मुझे ना यार टेस्टर्स बाय करना बहुत पसंद है, परफ्यूम टेस्टर, मुझे परफ्यूम्स पसंद है और मुझे परफ्यूम टेस्टर बाय करना पसंद है। आई नो जो इनका एक्चुअल साइज होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, टेस्टर मुझे थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। सो मैं इतने मिनी मिनी से परफ्यूम्स बाय करती रहती हूँ और सच बोलूँ सो दे आर सो वर्थ इट। मतलब आप इतना परफ्यूम नहीं यूज़ करती है, ये परफ्यूम लाइक थोड़ा सा लगाओ एंड इट्स गुड टू गो, इतना लाइक समझ रहे हो ना, वो फिस फिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये परफ्यूम बहुत अच्छे हैं, मैं लाइक यू कैन सी यूज़ किया हुआ है। आई लव दिस स्मेल, इसकी स्मेल इतनी प्यारी है एंड इट्स लाइक हेवनली स्मेल है इसकी। तो मेरे पास ऐसे 3 और टेस्टर हैं, बहुत अच्छे हैं एंड अगर आप लोगों को भी अच्छे परफ्यूम पसंद है तो आप इनके टेस्टर्स बाय कर सकते हो, क्योंकि जो इनका जो बॉटल होगी वो तो तुम्हें पता है ना, लास्ट टाइम वो 13,500 का परफ्यूम था। तो मैं ये छोटे छोटे से बाय कर लेती हूँ, थोड़े होते हैं महंगे पर यार ये वर्थ इट है, मुझे स्मेल बहुत पसंद है एंड आई रियली रियली लव इट, और ये मेरा परचेज मुझे पसंद है तो मैं टेस्टर्स बाय करती रहती हूँ। गाइज जो नेक्स्ट परचेज है मेरा वो तो इज़ लाइक मेरे लिए सबसे बेस्ट है, और वो है दिस जीन्स। आई लव जीन्स, और ये जीन्स मैंने सरोजनी से ली थी एंड ये अब तक का मेरा बेस्ट परचेज है। मैंने जितनी भी जीन्स खरीदी है ना, सबसे बेस्ट मुझे ये जीन्स लगती है। इसमें बॉडी को शेप बहुत अच्छी आती है, इसका लुक बहुत विंटेज है एंड आई रियली लव विंटेज टॉप। और इसका ओवरऑल लुक इतना प्यारा है, आई मीन इट्स अमेजिंग जीन्स, बहुत अमेजिंग और बहुत चीप प्राइस में मिल गई। सो मुझे ये मेरा परचेज बहुत पसंद है। सरोजनी से मैंने इसको बाय किया। आई गेस ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आई थिंक 200 के अराउंड में ही मिल गई होगी मुझे। सस्ता है और मस्त है, तो आई रियली लव इट। जो नेक्स्ट परचेज दिखा रही हूँ मैं, वो मेरी लाइफ की मेरी फर्स्ट साड़ी है, जो जिसमें मैंने अपने पैसे लगाए थे एंड सच बोलूँ अब तक रिग्रेट नहीं है। और उसको काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक मुझे काफ़ी पसंद है। तो वो है दिस साड़ी, और ये मैंने मिंत्रा से बाय की थी और ये थी 3000 के अराउंड, बट इट्स एक्चुअली वर्थ इट। ये फ्रिल्स में है, अभी भी ये स्टाइल गया नहीं है, आता जाता रहता है। सो इसलिए मुझे ये परचेज पसंद है एंड आई रियली लव प्लेन एंड सिंपल साड़ी। तो एकदम प्लेन और सिंपल सी साड़ी है, अराउंड 3000। येस, कभी कभी महंगे परचेज हो जाते हैं मुझसे और अच्छे भी निकल जाते हैं। सो आई रियली लव दिस साड़ी। ये मेरी बहनें भी पहन के चली जाती है, मैं भी पहन लेती हूँ। मेरी मम्मी को ये पसंद नहीं है तो मुझे पसंद है, और मेरी बहनों को स्टार्टिंग में पसंद नहीं थी, अब पता नहीं क्या वो उन्हें भी पसंद आने लगी। सो मैंने तो ज़्यादा नहीं पहनी, मेरी बहन ने पहनी, तो वर्थ इट। गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो रिलेटेड है फुटवेयर से। तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मुझे शूज़ पहनना पसंद है, मैं सैंडल नहीं कैरी कर पाती, पर कुछ है जो मैं कैरी कर लेती हूँ। तो मैंने लाइक फर्स्ट परचेज तो नहीं है मेरी सैंडल का, लेकिन मेरी सैंडल का यू कैन से दैट सैंडल्स में मेरा बेस्ट परचेज है, वो है दीज सैंडल्स। और ये मैंने वीडियोस में पहनी है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये सैंडल पसंद आई है। इनको मैंने अमेजोन से बाय किया था एंड ये बहुत कम्फर्टेबल है। ये ब्लॉक हील में है, आई रियली लव इट। ये बेस्ट है, कंफर्टेबल हैं, मैं इनको ऑल डे पहन सकती हूँ। मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, यूजली मैं हील्स नहीं पहन पाती, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो जाता है। अगर आप लोगों को इनका लिंक चाहिए तो यार नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अमेजोन पे इतना सर्च किया, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे एक वीडियो में बोला था मुझे ये सैंडल्स का लिंक प्लीज़, तो नहीं मिला मुझे। आई थिंक अब अमेजोन पे ये सैंडल हैं भी नहीं, बट दीज आर अमेजिंग। ये सैंडल भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये मुझे अराउंड 500 के अंदर मिल गई थी अमेजोन से। सो इट्स अमेजिंग, सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट। सो अमेजोन का अब तक का मेरा बेस्ट सैंडल परचेज मैं बोलूँगी यही है। सो आई रियली लव दिस सैंडल एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। ज़्यादा मतलब इतना भी इस बार अगर आपके एक्सपेक्टेशंस हो, जैसे लास्ट वीडियो में मैं बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाई थी, कि आपको लग रहा हो इस बार भी महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं, तो सच बताऊँ मैं इतने महंगे प्रोडक्ट्स पे बहुत कम खर्चा करती हूँ और करती हूँ, तो आपने देखा ही है क्या हो जाता है मेरे साथ। सो मुझे छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं जो कि ज़्यादा महंगे ना हो और मुझे लगता है कि ऐसे मेरे पैसे के लिए वर्थ इट है, तो मुझे वो प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं। अगर आप लोग अभी तक निभा नींस नहीं बने हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना यार, सब फ्री है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन नोटिफाई फॉर माय एवरी वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और कमेंट किया करो यार, आप लोग वीडियो देखते हो कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट करो। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो उसके लिए भी बोल देना। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।